दस भी हिंदी विशिष्ट पद्य खंड के प्रेम और सौंदर्य से श्रद्धा कविता के संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को देखते हैं। इसके पिछली क्लास में हमने प्रेम और सौंदर्य के सौंदर्य बोध को पढ़ा था। चलिए आज हम देखते हैं श्रद्धा। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बनारस के सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता श्री देवी प्रसाद जी थे, जो स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन दुखों में व्यतीत हुआ और बाल्यावस्था में ही उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई और आपकी शिक्षा स्कूल में केवल 8वें क्लास तक ही हुई और 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो जाने के कारण परिवार के भरण पोषण का बोझ जयशंकर प्रसाद जी पर ही आ गया। प्रसाद जी को घर पर ही अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू और संस्कृत की अच्छी शिक्षा मिली। इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। इन्हें अनेक पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 15 नवंबर 1937 में आप सिर्फ 48 वर्ष की अवस्था में ही आपका निधन हो गया। आपकी रचनाएं हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में गौरव जी श्री शंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी ने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि विविध विधाओं की श्रेष्ठ रचनाओं से हिंदी के साहित्य को समृद्ध किया और आपकी रचनाएं हैं कामायनी। कामायनी प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। बच्चों, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है या सही जोड़ी देख लें या खाली स्थान देख लें या विकल्प कि कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसमें कवि ने श्रद्धा और मनु के माध्यम से मानव जीवन के विकास की पौराणिक कथा प्रस्तुत की है। और दूसरा झरना, झरना में प्रसाद जी के छायावादी कवि रूप का परिचय मिलता है। इसमें प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं के साथ प्रकृति का मोहक चित्रण किया है। तीसरी रचना है लहर, इसमें छायावादी प्रवृत्ति का पूर्णतम रूप मिलता है। और चौथा है आंसू, पांचवा चित्राधार, छठवा है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय आदि प्रसाद जी के अन्य काव्य कृतियां हैं। इनके अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक, आकाशदीप, छाया कहानी तथा कंकाल, तितली उपन्यास आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। आपके काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य का भाव क्षेत्र व्यापक है। प्रेम सौंदर्य, रहस्य भावना, राष्ट्रीयता, नारी के प्रति सुहानुभूति आदि कितने आयाम आपके काव्य के भाव संसार में। इनके काव्य के मूल तत्व प्रेम और सौंदर्य में वासना के विपरीत त्याग, उदात्तता की प्रधानता है। आपने विराट सत्ता की रहस्यमयता का अपूर्व अंकन किया है। इनका काव्य राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। इनकी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखने पर प्रसाद जी के काव्य में नारी के प्रति व्यापक सहानुभूतिपूर्ण भाव स्पष्ट हुआ है। कला पक्ष, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह चित्राधार ब्रजभाषा में रचित है। इसके पश्चात समस्त काव्य की रचना शुद्ध साहित्यिक एवं परिष्कृत खड़ी बोली में हुई। आपकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता, खड़ी बोली में लालित्य एवं माधुर्य का समावेश कराने का श्रेय प्रसाद जी को ही जाता है। आपका कला पक्ष या भाषा शैली, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह चित्राधार ब्रज भाषा में रचित है और प्रसाद जी ने काव्य रचना का प्रारंभ सवैया एवं कवित्व छंदों से किया। आगे चलकर आपने गीति शैली आदि में काव्य की रचना की और साहित्य में स्थान छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद का स्थान हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में सर्वोपरि माना जाता है। आधुनिक काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय प्रसाद जी को जाता है। आपके काव्य में इतिहास, दर्शन और कला का मणिकांचन योग देखा जा सकता है।
कामायनी जैसे उत्कृष्ट रचना से प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की गरिमा की वृद्धि की है। निश्चय ही प्रसाद जी हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय विभूति है। तो आइए जयशंकर प्रसाद जी के परिचय के बाद हम श्रद्धा भाव का देखते हैं कि श्रद्धा किस भाव से कवि ने इसकी रचना करी है। तो जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा तथा मनु के प्राचीन कथा के माध्यम से मानव मन की तर्क प्रधान बुद्धि का यहाँ पर अंकन किया है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि आप कौन हैं जो इस एकांत स्थान को अपनी आभा से अलौकिक किए हो। संसार रूपी सागर की लहरों के समीप इस निर्जन स्थान पर मौन होकर क्यों बैठे हो? आपको देखकर ऐसा आभास होता है कि आपने दुनिया के रहस्य का निदान कर लिया। आप करुणा की सजल मूर्ति हो। श्रद्धा ने मनु ने श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य को निहार वह उसके नेत्रों को उलझाने वाला सुंदर माया जाल था। श्रद्धा का शरीर पुष्पों से आच्छादित कोमल लता के समान तथा बादलों के मध्य चंद्र की चांदनी जैसा दृष्टिगोचर हो रहा था। श्रद्धा का शरीर बसंत की शीतल मंद सुगंधित वायु से झूमते हुए सुरभित शाल के लघु वृक्ष की भांति सुशोभित हो रहा था। श्रद्धा की केश राशि उसके कंधों तक पीछे की ओर बिखरी हुई थी और बालों की आभा उसके मुखमंडल की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रही थी। श्रद्धा की मुस्कान कोमल कली पर उगते हुए सूर्य की उज्ज्वल किरण अलसाई होने के कारण सुंदर लग रही थी। श्रद्धा की सुंदरता इस प्रकार दृष्टि गोचर हो रही थी मानो पुष्पों का वन लेकर मंद मंद बहती हुई वायु उसके आंचल को सुगंध से परिपूर्ण करके कृतज्ञता ज्ञापन कर रही थी। आप बच्चों इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रसंग और व्याख्या। तो पहला पद है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विक्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। इसके कठिन शब्द हैं संस्कृति संसार जलनिधि सागर निर्जन एकांत प्रभा कांति अभिषेक तिलक करना या सुशोभित करना मधुर आकर्षक विश्रांत थके हुए। और इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत छल महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमायनी महाकाव्य के श्रद्धा से लिया। और प्रसंग है कि इस पद में प्रलय काल के पश्चात श्रद्धा का मनु से साक्षात्कार होता है और श्रद्धा मनु से पूछती है। व्याख्या है, श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरों द्वारा किनारे द्वार पर फेंकी गई मणि सोनेपन को अपनी ज्योति से सुशोभित करती है, उसी प्रकार तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए मणि के समान एकांत स्थान को अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हो। तुम्हारा रूप मधुर है, तुम थके हुए से प्रतीत हो रहे हो और इस एकांत शून्य स्थान पर बैठे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया, इसलिए तुम यहाँ पर निश्चिंत होकर बैठे हो। तुम्हारे मुख पर करुणा भी है और तुम्हारा मौन बड़ा आकर्षक लग रहा है। तुम्हारी यह शांति सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। इस पद का काव्य सौंदर्य है, कविता का आरंभ नाटकीय ढंग से होता है, रूपक एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और इस पद पर शांत श्रृंगार रस। पद दूसरा है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधु करी साजब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रहन सका फिर मौन। शब्दार्थ है, मधु गुंजार मनोहर्षक
मधुकरी भवरी सानंद आनंद सहित और झटका या झटका देना। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि उस समय मनु नीचे झुके हुए कमल के समान अपना मुख नीचे हुए बैठे हैं। उन्होंने भवरी की गुंजार से के समान श्रद्धा की यह मधुर वाणी बड़े हर्ष से सुनी। उस समय वे अकेले थे, किसी अन्य की मधुर वाणी सुनकर उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक था। श्रद्धा द्वारा कहे गए ये शब्द मनु के लिए आदि कवि वाल्मीकि के प्रथम सुंदर छंद के समान थे। वाल्मीकि कवि ने प्रथम छंद में करुणा का भाव समाया हुआ था, इधर श्रद्धा के वचनों में भी करुणा है। श्रद्धा की वाणी सुनते ही मनु को एक झटका सा लगा और वे मोहित होकर यह देखने लगे कि कौन यह संगीत से मधुर वचन कह रहा है। जब मनु ने श्रद्धा को अपने सामने देखा तो कुतूहल के कारण वह शांत न रह सके। विशेष अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब है पद तीन, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव से लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाहर उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। शब्दार्थ इंद्रजाल जादू, अभिराम सुंदर, कुसुम वैभव फलों का ऐश्वर्य, चंद्रिका चांदनी, घनश्याम काला बादल, अनुकृति अनुरूप बाह्य देखने में उन्मुक्त स्वच्छंद, और सौरभ संयुक्त सुगंध से युक्त। व्याख्या देखते हैं, कवि कहते हैं मनु ने वह सुंदर दृश्य देखा जो नेत्रों को जादू के समान मोहित कर लेने वाला था। श्रद्धा उस समय फूलों की शोभा से युक्त लता के समान लग रही थी। श्रद्धा चांदनी से घिरे हुए काले बादल के समान लग रही थी। श्रद्धा ने नीली खाल का वस्त्र पहन रखा था, इस कारण वह बादल के समान दिखाई दे रही थी, किंतु उसकी शारीरिक कांति उसके परिधान के बाहर भी जगमगा रही थी। श्रद्धा हृदय की उदार थी और उसी के अनुरूप वह देखने में भी उदार लग रही थी। उसका कद लंबा था और उससे स्वच्छंदता झलक रही थी। वायु के झोंकों में वह ऐसी लग रही थी मानो वसंत की वायु से हिलता हुआ कोई छोटा साल का पेड़ हो और वह सुगंध में डूबा हुआ। विशेष श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया और खड़ी बोली का प्रयोग किया। अब है पद चार, मसूड़ गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उस वपु कांत वन, रहा था वह कोमल वर्ण नील परिधान बीच सुकुमार, खुला रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। मृसण मतलब चिकने, गांधार देश कंधार देश जो अफगानिस्तान है, रोम रोए, मेष मेढ़ा, चर्म खाल वपु शरीर कांत सुंदर, परिधान वस्त्र और मृदुल कोमल। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि कहते हैं कि कंधार देश के रोए वाले मेढ़ों की कोमल खाल से उसका शरीर सुंदर शरीर ढका हुआ था, वही खाल उसका कोमल आवरण या उसका वस्त्र बन रहा था। उस नीले आवरण के बीच में उसका कोमल अंग दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था मानो मेघ वन के बीच से गुलाबी रंग का बिजली रूपी कोई फूल खिला। इसका काव्य सुंदर है, विशेषता श्रद्धा की वेशभूषा और सुंदरता का वर्णन और उत्मा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग। पद पांच, आज वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, या कि नव इंद्र नील लघु श्रंग फोड़कर धधक रही हो कान, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधुरी रजनी के आश्रम। व्योम आकाश अरुणाचल, रवि मंडल सूर्य मंडल, छविधाम सुंदर इंद्र नील नीलम, लघु श्रंग छोटी छोटी माधुरी, माधुरी रजनी वसंत की रात, अश्रांत मतलब निरंतर।
व्याख्या है, कवि कहते हैं कि आह वह मुख ही बहुत सुंदर था। संध्या के समय पश्चिम दिशा में जब काले बादल आ रहे थे और सूर्यास्त होने से पहले छिप जाता है, किंतु जब लाल सूर्य उन मेघों को चीर कर दिखाई देता है तो वह कितना सुंदर दिखता है। श्रद्धा के मुख का सौंदर्य भी वैसा ही था। श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नीलम की नन्ही सी चोटी हो और बसंत ऋतु की मधुर रात्रि में एक छोटा सा ज्वालामुखी उस नीलम की चोटी को फोड़ कर धधक रहा हो, जैसी उनकी शोभा होगी वैसी ही शोभा श्रद्धा के मुख की थी। और विशेषता है, श्रद्धा द्वारा पहना गया वस्त्र नीला है, इस कारण नीले मेघों के बीच सूर्य की कल्पना की गई है और उपेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। पद छः वाचन करते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और उस मुख का वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान अधिक अलसाई हो अविराम। कठिन शब्दों के अर्थ है, अंश मतलब कंधा, अवलंबित सहारे, घन शावक बादलों के बच्चे, सुधा अमृत, विधु चंद्रमा, रक्त किसलय लाल कोमल, अरुण सूर्य, अमलान कांतिमय, अविराम मतलब सुंदर। व्याख्या है कि श्रद्धा के मुख के पास उनके कंधों पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेघों के बालक अर्थात छोटे छोटे बादल चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हों, और श्रद्धा के मुख पर मुस्कुराहट ऐसी शोभायमान हो रही थी जैसे सूर्य की कांतिमान किरण लाल कोपलों पर विश्राम करके अलसा रही है। और इसका काव्य सौंदर्य, श्रद्धा के बाल नीले मेघों के समान है और श्रद्धा के ओंठ लाल कोपल के समान है। पद सात नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना पूर्ति स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यो जड़ में स्फूर्ति, उषा की पहली लेखा कांत माधुरी सी भीगी भरमोर, मत भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक रुचि की भोर। यौवन की छवि, यौवन की शोभना, दीप्ति मतलब शोभित करुण दयावान, कामना मूर्ति इच्छा की मूर्ति, स्पर्श पूर्ण श्रद्धा को देखकर उसे स्पर्श करने की इच्छा होती थी, स्फूर्ति चेतना मोद हर्ष, मद भरी मस्ती से भरी हुई भोर प्रातःकाल। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि श्रद्धा अनंत यौवन की शोभा से दीप्त थी, वह संसार भर के सदैव इच्छा की मूर्ति थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसे स्पर्श करने कर ले और उसको देखकर स्पर्श करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती थी। ऐसा लगता था मानो उसका सौंदर्य जड़ वस्तुओं से भी चेतना भर दे। श्रद्धा उषा की पहली सुंदर किरण के समान है, उसमें माधुर्य आनंद मस्ती एवं लज्जा है। जिस प्रकार उषा की प्रथम किरण अंधकार को दूर करती हुई निकल जाती है, उसी प्रकार श्रद्धा के दर्शन से मनु के हृदय में छाया निराशा का अंधकार भी दूर होने लगता है। विशेष है उषा की प्रथम किरण का मानवीकरण है और श्रद्धा को पाकर मनु की निराशा कुछ कम होने लगती है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। पद आठ है कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साथ हंसी का मद विवहल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश अपार। कानन का मतलब कानन अंचल जंगल के बीच, मंद पवन धीरे धीरे चलने वाली वायु, सौरभ साकार सुगंध की साकार मूर्ति, परमाणु पराग पराग के परमाणु, मधुर पुष्प रस, शुभ्र मतलब स्वच्छ नवल नवीन मधुरिमा, मद विवहल मस्ती से भरी हुई मधुरिमा, खेला सदृश अबाध मतलब हंसी में अक्षय माधुर्य भरा हुआ है।
व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि श्रद्धा फूलों से भरे हुए वन के बीच सौरभ की मूर्ति के समान दिखलाई देती है, जिससे मंद पवन खेल रहा है। वह सौरभ की मूर्ति फलों के पराग के परमाणुओं से बनी है। इस पराग निर्मित मूर्ति का मन की कामना रूपी नवीन बसंत की पूर्णिमा की चांदनी जैसा है, और ऐसा लग रहा है जब यह चांदनी पड़ती है तो उसकी शोभा कैसी होगी, वैसी ही शोभा श्रद्धा की हो रही थी। उस समय श्रद्धा की मस्त हंसी निरंतर माधुर्य से खेला करती थी, और इसका काव्य सुंदर है। श्रद्धा को पराग के परमाणुओं से निर्मित मूर्ति के समान दिखाकर उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, ये प्रश्नोत्तर है। एक वाक्य में या छोटे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है कि बिहारी के काव्य में किस रस की प्रधानता। प्राचीन काल में कवि राजाओं के दरबार में रहकर उनकी प्रशंसा में कविता क्यों करते थे। पहले पाठ का है कि बिहारी के काव्य में किस रस की प्रधानता मिलती है। उत्तर है श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में कवि राजाओं के दरबार में रहकर उनकी प्रशंसा क्यों करते थे। क्योंकि उनको अपनी आजीविका चलाना था, उनकी भरण पोषण करना रहता है। और श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर किसकी समाधि भंग हुई, मनु की। श्री कृष्ण के हृदय पर गुंजों की माला शोभा पा रही थी। ये सही जोड़ियां हैं, सत्य सत्य पवित्र स्थान की पूर्ति। फिर है प्रश्नोत्तर, मनु को हर्ष मिश्र झटका सा क्यों लगा। श्रद्धा की वाणी सुनते ही मनु को एक हर्ष मिश्र झटका लगा, और वे मोहित होकर यह देखने लगे कि यह संगीत से मधुर वचन कौन कह रहा है। ये प्रश्नोत्तर है। आपको आपकी किताबों में ये भी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। फिर प्रश्न है कि श्रद्धा का गायन किस स्वर का है। तो श्रद्धा का गायन स्वर मधुकरी या भ्रामरी जैसा है। प्रश्न, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का झुलसा हुआ रहस्य संबोधन किसके लिए है। यह संबोधन मनु के लिए है। श्रद्धा कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया हो, इसलिए तुम निश्चिंत होकर बैठे हो। बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। आपको आपकी किताब में भी इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जिनको आप अपनी कॉपियों में इस वीडियो के माध्यम से भी लिख सकते हैं, और आप अपनी किताब के माध्यम से भी इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकते हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे।